Good morning, dear students. Today we will solve some questions of example given before the exercise 6.2 to solve the basic proportionality theorem based questions. So I am taking example number 1. So let's discuss example 1 given before the exercise 6.2. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स, ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल एबीसी. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट डी एंड ई. देखो ये जो साइड है ए बी है, ए सी है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को एट पॉइंट डी एंड पॉइंट ई. ठीक है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल एबीसी को. और क्या बोला है, ये जो लाइन इट इज पैरेलल टू द लाइन बीसी. एग्जांपल 1 में क्या बोला गया है, अ लाइन, एक लाइन है जो ट्रायंगल एबीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पॉइंट ई पे एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन, बीसी के पैरेलल है. एंड यू हैव टू शो दैट, you have to prove AD by AB equal to AD by AC. इसका मतलब क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है AD divided by AB पूरे का डिस्टेंस, ये इक्वल होगा, ये वाला रेशियो किसके इक्वल होगा, AE डिवाइडेड बाय AC. यहां पर का जो रेशियो है AD डिवाइडेड बाय AB विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC. यू हैव टू शो दिस. चलो सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस बाय अप्लाइंग अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. या फिर थेल्स थ्योरम. व्हाट डू वी नो अबाउट थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम में ये बोला है, एज वी नो इन थेल्स थ्योरम इफ द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस, ये अगर सेम होगा तो ये जो लाइन है किसके पैरेलल होगा, एज वी नो दैट अगर ये रेशियो यहां का रेशियो इक्वल होगा इस तरफ के रेशियो, देन वी कैन से दैट द लाइन इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दे दिया गया है दैट जो DE है वो पैरेलल है BC के. इट मीन ये जो लाइन है पैरेलल है BC के, ये ऑलरेडी गिवन है. ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है. इफ दिस इज गिवन ई इज पैरेलल टू बी सी, देन वी कैन राइट दैट द रेशियो मस्ट बी सेम. कौन सा रेशियो, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इक्वल टू ए ई, ये रेशियो सेम हो. अगर ये पैरेलल अगर दिया हुआ है देन दिस मस्ट बी सेम, द रेशियो मस्ट बी सेम. अब ये हमें ये मिल गया है. चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे AD by AB is equal to AE by AC. चलो स्टार्ट करते हैं.
ये हमने डिराइव किया है बाय यूजिंग RTP इज प्रोपोर्शनल टू BC, ये दोनों ही एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, ये वाला और DP इज पैरेलल टू BC, ये दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये पैरेलल वाला अगर दिया होगा देन यू कैन राइट दिस ऑल्सो, एंड अगर ये दिया हुआ रेशियो अगर इक्वल दिया होगा देन यू कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फ्रॉम द पैरेलल स्टेटमेंट वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, चलो इसको और सॉल्व करते हैं आफ्टर एडिंग वन, चलो मैं ऐड करता हूँ वन, इधर मैंने वन ऐड कर दिया, इधर भी मैंने वन ऐड कर दिया, कैसे भी करके किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, हमें वो प्रूफ करना है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखो BD प्लस AD, क्या यहां पे BD प्लस AD, ये हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज AB, AE प्लस EC वी कैन राइट दिस, AE प्लस EC वी कैन राइट दिस एज AC, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो है रिजल्ट आ गया, मैं प्रूफ क्या करना है AD बाय AB, यहां पर हमें ये वाला रिजल्ट मिला, ठीक है। जब हम इसको एज इट इज लिखे हैं रेशियो को 1 प्लस ऐड करके हमें ये वाला रेशियो मिला है AB बाय BD इक्वल टू AC बाय EC, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, वी कैन राइट दिस आल्सो एज, लिख सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं EC बाय AC। अब देखो ये तो वन रिजल्ट आ गया, आफ्टर दिस ये रिजल्ट तो नहीं आया है, ये वाला रिजल्ट आया है। चलो हम फिर ट्राई करेंगे, अब हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, क्या उल्टा करेंगे, पहला सीधा लिखे बाद में उल्टा किए तो ये वाला रिजल्ट नहीं आया, चलो पहले उल्टा करते हैं फिर देखें रिजल्ट आता है कि नहीं। चलो इसको उल्टा करो, ये हो जाएगा BD चलो इसमें मैं क्या करूंगा प्लस वन ऐड करूंगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD दिस इज इक्वल टू AD, ठीक है, और नीचे में क्या है AD, दिस इज इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE दिस इज AC। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव दिस रिजल्ट, अब ये इक्वल है क्या इसके, नहीं है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन दिस फॉर्म, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, फिर से इसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे कैसा होगा, तो इसको सीधा करेंगे देन वी कैन गेट दिस रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड, यह रिजल्ट आया।
In example number 2, in this example you have to prove that AE divided by AD is equal to BF divided by FC. इसका मतलब ये है AE, ये वाला जो है line segment divided by AD. So in example number 2, यहाँ पर देखो, you have to show that AE divided by वाला ratio आपको prove करना है. ये वाला जो line segment है divided by AD, ये ठीक है. उसके बाद BF by FC, BF by FC, ये वाला distance, ये वाला ratio आपको prove करना है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. EF पैरेलल है AB के. EF कौन सा है, ये वाला लाइन है, ये पैरेलल है इसके, और ये वाला जो लाइन है AB वो पैरेलल है किसके, CD के. इट मीन तीनों ही लाइन AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, और AB किसके पैरेलल है, EF के. ये केस है, पहला दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, उसके बाद क्या दिया हुआ है, EF इज पैरेलल टू AB. आई कैन राइट दिस, इसका मतलब क्या है, EF जो है इट इज पैरेलल टू DC. ये एक रिजल्ट है. As I have said that, क्या बताया था मैंने, अगर ये पैरेलल वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसके साथ ही जो रेशियो वाला स्टेटमेंट है वो भी साथ साथ चलेगा, ठीक है. तो यहां पर दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, ये है पैरेलल किसके, DC के पैरेलल, ठीक है, और ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, ये AB के पैरेलल. तो यहां पैरेलल वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है. चलो पैरेलल वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, वी शुड राइट द रेशियोज नाउ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे. ट्रायंगल कैसा, ऐसा वाला ट्रायंगल बनाएंगे. ट्रायंगल बन गया है एंड नाउ वी नो दैट बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम, अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन पे, देन वी कैन राइट दिस फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी. What we can write from this triangle, we know this, we know that, suppose this is point G, GF is parallel to AB, in this case we can write the ratio, CF divided by FB is equal to, क्या लिख सकते हैं ratio, इसको भी same ratio में divide करेगा अगर ये parallel है इस line के, तो GC डिवाइडेड बाय AG, ये लिख सकते हैं हम लोग इस ट्रायंगल से. चलो ये तो मिल गया हमें, अब हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल, देखेंगे कौन सा. अब हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे. इन ट्रायंगल एबीसी में तो ये मिला है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम लोग. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी, इसमें भी देखो ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल है ना, ईएफ इज पैरेलल टू एबी विच इज पैरेलल टू डीसी. इसका मतलब क्या है, ईएफ जो है इसके भी पैरेलल होगा, तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है. हम लोग फिर से थेल्स का थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्या है थेल्स का थ्योरम, दिस डिवाइड बाय दिस, ये किसका इक्वल होगा, इस रेशियो के इक्वल होगा. ये है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, एफ बी
divided by CF equal to AG divided by GC, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इन दोनों का कंपेयर करो, देखो AG divided by GC, GC की जगह यहाँ CG लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों ही एक ही लाइन सेगमेंट है। देखो CG बोलो या फिर CG बोलो या फिर GC बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे अब क्लियर होगा, ठीक है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने पर वी आर एबल टू डिसाइड दैट AG divided by GC दिस इज इक्वल टू AB by CA। सो आफ्टर कंपेयरिंग ADC एंड ट्राइंगल ABC वी कैन सी दैट जो रेशियो है AG by GC दिस इज इक्वल टू FB by CF। सो दैट आफ्टर कंपेयरिंग दिस वी कैन राइट एज AE by ED this is equal to FB divided by CF, ऐसा है, इसके इक्वल है AE by ED, FB by CF के इक्वल है। इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम है? हाँ, थोड़ा सा इंटरचेंज अगर कर देंगे लेटर्स को तो ये सेम होगा। एफ बी को वी कैन राइट दिस एज बी एफ, सी एफ को वी कैन राइट दिस एज एफ सी। नाउ दिस इज इक्वल, हेंस प्रूव्ड एंड इट इज प्रूव्ड। तो जैसे कि हमने दो एग्जांपल सॉल्व किया, यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द अदर लाइन तो जो रेशियो होगा, कौन सा रेशियो, ये वाला लाइन सेगमेंट इफ ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो दोनों ही लाइन पैरेलल वाला और एक रेशियो वाला, ये वाला, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक साथ ही चलेंगे। अगर पैरेलल बनाया है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो रेशियो है लाइन सेगमेंट्स का वो इक्वल है।